हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। आज की वीडियो ना शाम के करीब 4:30 बजे से शुरू कर रहा हूँ और दिन भर आज मौसम बढ़िया था तो एक बार शाम के नज़ारे भी दिखा देता हूँ अपने क्षेत्र के, किस प्रकार का मौसम है इस समय। तो फ्रेंड, कुछ ऐसे नज़ारे हैं आज के हमारे क्षेत्र मुक्तेश्वर के। काफ़ी बढ़िया मौसम बना हुआ है सुबह से, कल बारिश हुई, आज सुबह से धूप है, काफ़ी बढ़िया मनमोहक दृश्य सामने का, बढ़िया सा मौसम, सुहावना सा मौसम हो रखा है। काफ़ी बढ़िया से सीन्स हैं इस समय। तो फ्रेंड, देखा आप लोगों ने मौसम, कमेंट में ज़रूर शेयर करना लगे आज के ये नज़ारे। तो फ्रेंड, बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं मुक्तेश्वर में लैंड के लिए। तो आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ 10 नाली की लैंड परबड़ा विलेज पे, जो कि कसैलिंग मार्केट से तकरीबन 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलते हैं लैंड की तरफ, लैंड दिखाता हूँ कैसी लैंड है, कैसा वहाँ से व्यू आता है, क्या वहाँ से फैसिलिटीज़ हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे लैंड है, बड़ा प्लॉट है। आपके कुछ आप अगर यूज करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक परफेक्ट डील होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे आजकल प्रॉपर्टियों के रेट एकदम आसमान छू रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ रोड पे मिल नहीं रही, तो एक हिसाब से ये काफ़ी रीजनेबल प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए आ रही है। प्लॉट बड़ा है, आप उस पर अपना कॉमर्शियल भी कर सकते हैं या फिर उसको परचेज करके छोटे छोटे टुकड़ों में सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि लैंड की डिमांड बहुत है यहाँ मुक्तेश्वर क्षेत्र में। जिस हिसाब से शहरों पर गर्मी हो रही है, तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पर रहना चाहते हैं, यहाँ पर बसना चाहते हैं। तो एक ना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बढ़िया लोकेशन पर, पूरा गाँव का माहौल, आस पास भी बहुत लैंड बिकी हुई है, बहुत सारे होटल रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो चलते हैं, कसैलिंग मार्केट से होते हुए उसका रास्ता है, बाकी सारा कुछ आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको लैंड के रिकॉर्डिंग भी वीडियो मिल जाती है और अपने पहाड़ों की जीवन शैली इस चैनल पे लाते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं परबड़ा विलेज के लिए और बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो फाइनली फ्रेंड, मैं पहुंच चुका हूं कसैलिंग मार्केट और यहीं से रास्ता जाता है उस लैंड का। फिलहाल मेन तिराहे पे हूं अभी, जो ऊपर को सीधे आप रोड देख रहे हैं, ये जाती है मुक्तेश्वर टेंपल के लिए, जहां पे अभी गाड़ी जा रही है। और मुक्तेश्वर घाटी वो सबसे लास्ट दूर है, वो मुक्तेश्वर घाटी, और इस तरफ को रोड जाती है हल्द्वानी को। तो यहां से मुझे अपने राइट हैंड पे जाना है परबड़ा विलेज, चपटा विलेज के लिए। सामने ना ये बोर्ड भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर बता रखा है सीधे मुक्तेश्वर, इस तरफ को परबड़ा। तो चलते हैं फ्रेंड आप सीधे इस रोड से परबड़ा विलेज के लिए, जहाँ पर आपकी लैंड आने वाली है 10 नाली का पैच, और ना ये रोड का काम होने वाला है, फिर सोने पे सुहागा। तो रोड का काम तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पास कर दी है। और इसी के राइट हैंड पे ना, तो यहाँ से नीचे को हमारी ज़मीन लगती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और रोड पे है एकदम, तो सोचा था मिलके कुछ करेंगे। तो चलिए जी, हमारा परबड़ा के लिए सफ़र शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आएगा चखुटा विलेज। तो इस गाँव में कभी आप आए हो कमेंट ज़रूर करना, ये है चखुटा गाँव, यहाँ से चखुटा गाँव की शुरुआत हो जाती है। और बहुत सारे रोडों पर आपको ना होम स्टेज, होटल्स वगैरह, लोगों के पर्सनल कॉटेज इस रोड में परबड़ा तक मिल जाएंगे। काफ़ी शानदार नज़ारे भी आ रहे हैं सामने के। दोस्तों, इस रोड पे ना आपको लैंड मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, कहीं मिल भी गई तो काफ़ी महंगी मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से लेके परबड़ा तक सारा कुछ बिका हुआ है, लोगों ने अपने होम स्टेज, कॉटेज वगैरह ये बना दिए हैं। और ज़्यादातर ना मुक्तेश्वर में लिंक रोडों में ही आपको होम स्टेज, होटल, कैम्प एरिया हो, ज़्यादातर लिंक रोडों में ही देखने को मिलेंगे। ये देखिए, और रोड का भी कार्य जल्दी होने वाला है, तो खूब सारे यहाँ पर पत्थर निकाले रखे हैं सोलिंग वगैरह के लिए। शाम का जो ये समय है ना, काफ़ी मस्त लग रहा है, काफ़ी बढ़िया सा फील आ रहा है इस समय। तो दोस्तों, अब आ चुका है मजेड़ा गांव, परबड़ा से ठीक पहले का गांव, और यहाँ पे भी ना काफ़ी बसावट है लोगों की,
ऊपर ये कैंप साइट देख सकते हैं आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, काफ़ी फेमस है दोस्तों परबड़ा विलेज। अगर मुक्तेश्वर की बात करें तो मुक्तेश्वर का एक ऐसा गांव है ना जो काफ़ी पॉपुलर है, फेमस है, काफ़ी बड़े बड़े होटल्स, काफ़ी नामचीन जो होटल हैं, होम स्टे हैं, इस रोड पे आपको मिलेंगे। हाय मेरे फ्रेंड, पहुंच चुका हूं इस एरिया पे जहां पे है 10 नाली का प्लॉट, और आपके साथ शेयर करता हूं क्या कुछ है इस प्लॉट पे, कैसा प्लॉट है, सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूं इस वीडियो पे। फ़िलहाल यहां पे ना गेस्ट भी आ रखे हैं, क्योंकि नीचे जो लैंड है, लैंड से आगे भी लैंड बिकी हुई हैं, वहाँ पर बना हुआ है होम स्टे, किसी बाहर वाले ने ले रखा है और उसने होम स्टे बना रखा है, सो गेस्ट भी आ रखे हैं। तो फिलहाल ड्राइवर भैया को गाड़ी सही से लगवा देते हैं। सामने की तरफ है होम स्टे, यहाँ से तकरीबन पैदल है, रोड जाने का है बट अभी फ़िलहाल बनी नहीं है, गेस्ट भी चले हुए हैं आगे से, तो उस्ताद जी को लगवा देते हैं पहले गाड़ी। ज़्यादा ठीक है उस्ताद, ठीक है, कहाँ से लेके आ रखे हो? गुड़गांव से। चलो बढ़िया यार, हाँ हमारा गांव यही है, लोकली हुए हम। कितनी गर्मी हो रही है फिर? तो फ्रेंड गुड़गांव से आए हैं हमारे भैया यहाँ पर हमारे पहाड़ों पे। क्या नाम है आपका? बॉबी भैया। तो गैस लेके आए हैं क्योंकि आगे होम स्टे है, यहाँ से कस्या लेक से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास पे ये जगह होगी, और अब चलते हैं लैंड की तरफ और आपको लैंड शेयर करता हूँ कि लैंड कैसी है। बाकी शाम का समय हो रहा है, ऊपर की तरफ है जंगल, काफ़ी बढ़िया से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और सामने की तरफ हो रहा है सनसेट प्यारा सा। तो मैं सबसे पहले आपको प्यारा सा सनसेट जो हो रहा है वो दिखाता हूँ। तो चलो जी, ये जो मेन रोड है ये, इससे हमको चलना है नीचे की तरफ को, पूरी रोड का ही एरिया है। आप चाहो तो अपनी पर्सनल भी रोड ले जा सकते हो। जो एक घर दिख रहा है ना, घर के पास में है लैंड, घर यहाँ पे है और जस्ट रोड यहाँ पे है, तो घर के पास चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाता हूँ लैंड। इतना चौड़ा रास्ता है, आप चाहो तो अपने लैंड तक भी और यहाँ से दीवार विवाल लगा के चौड़ा रास्ता ले जा सकते हो गाड़ी वाड़ी। फिलहाल इस रास्ते पे भी गाड़ी आराम से चली जाएगी। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं लैंड की तरफ और लैंड आपके साथ शेयर करता हूँ। लैंड काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बढ़िया है, लैंड में कुछ डेवलप भी नहीं करना है आपको। जो लगभग 30-40% आपका खर्चा आता है पहाड़ों में लैंड लेने के बाद लैंड को डेवलप करने में, वो खर्चा आपका लगभग बच जाएगा, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लैंड को डेवलप कर सकते हैं। लैंड चौड़े चौड़े स्टेप में है। तो थोड़ा सा हम आगे हैं नीचे, तो दोस्तों लैंड है यहाँ पे जस्ट घर के लेफ्ट हैंड पे, और लैंड के पास चलता हूँ, लैंड दिखाता हूँ, पूरा कवर कर रखा है लैंड को एंगल वेंगल से। तो ये देखिए नीचे जो खेत दिख रहे हैं ना आपको, जो जहाँ पे भाई लोग खड़े हैं वहाँ से लगते हुए एंगल है, वहाँ से पूरा नीचे को लैंड है, चौड़े चौड़े स्टेप हैं। तो घर के पास पहुंच गए हैं, अगर आप यहाँ पर रहते हो तो आपको एक बढ़िया सा पड़ोसी भी मिल जाएंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, जो भी आपको यहाँ पर ज़रूरतें होंगी, क्योंकि पहाड़ों में आ रहे हो तो कुछ लोग तो चाहिए ही। तो दोस्तों ये है वो लैंड, यहाँ से लगा हुआ है ये एंगल, सारे एंगल नीचे को आप देख रहे होंगे, तो ये सीधे एंगल लगा हुआ है, करीब 120 फीट का इसका फ्रंट है, आगे तक जो पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक, और उससे पूरा नीचे को लगा हुआ पैच है 10 नाली का। जो व्यू है सामने धानाचुली एरिया का। तो चलो दिखा रहा हूँ आपको ये लैंड आगे चलते हुए। एंगल मिलेंगे आपको, इससे भी थोड़ा आगे तक है, सामने काफल का पेड़ दिख रहा है, यहाँ पे वहाँ तक है लैंड, पूरा कवर कर रखा है लैंड को।
तो दोस्तों लैंड के आखिरी छोर पे खड़ा हूँ और यहाँ से दिखा रहा हूँ लैंड का पैच। ये सारा लगा हुआ नीचे को जो भी आप एरिया देख रहे हो पूरी आपकी लैंड है, और ऐसी लैंड मिलना ना काफ़ी मुश्किल होता है पहाड़ों पे। बाकी ऐसी ही घाटियों में घर बने हुए हैं लोगों के, मेन रोड ऊपर है जहाँ से वो स्कूटी आ रही है, एक गाड़ी भी खड़ी है, और साथ में आपको एक बढ़िया से पड़ोसी आपके मिल जाएंगे। यहाँ शाम का समय हो रहा है, इस तरफ को होता है हमारा सनसेट। बाकी चलता हूँ लैंड पे, लैंड से दिखाता हूँ आपको किस प्रकार के व्यू आते हैं। बाकी टू व्हीलर तक यहाँ, टू व्हीलर तो आराम से आ जाता है, भैया टू व्हीलर लेके पहुँच चुके हैं यहाँ पे। बाकी फोर व्हीलर भी आ जाएगा छोटी गाड़ी है तो, और नहीं तो आप अपना जो वहाँ से एरिया देख रहे हो उसको चौड़ा कर सकते हो दीवार देके, तो पूरी गाड़ी आपकी यहाँ पे लैंड पे पहुँच जाएगी। दोस्तों जो ये लैंड है, मैं चलूँगा लैंड पे नीचे और लैंड से आपको दिखाता हूँ व्यू। एक व्यू तो आएगा आपका सामने का, और नीचे एक हल्का गधेरा बहता है, गधेरे से हल्का सा सामने का ये नज़ारा, थोड़ा सा व्यू इस तरफ को देखने को मिलेगा आपको लैंड से अगर आप अपना घर वर बनाएंगे। अगर दो तीन मंजिला उठा रहे हैं तो फिर ये व्यू भी कवर होगा, और यहाँ से जो इस बैक साइड का व्यू है ना इस तरफ का, ये भी दिखाई देगा, क्योंकि लैंड जिस हाइट पर अभी मैं खड़ा हूँ उससे थोड़ा नीचे है। इससे अगर आप घर बनाएंगे अपना या होटल रिजॉर्ट कुछ भी बनाएंगे, क्योंकि कॉमर्शियल भी कर सकते हैं आप, बाकी इस तरफ का व्यू आएगा और थोड़ा हाइट दे रहे हैं ना तो इस तरफ के नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो ये लैंड है, इस लैंड की अभी जिस हाइट पर मैं खड़ा हूँ यहाँ की ऊंचाई जो समुद्र तल है, समुद्र तल से लगभग 1835 मीटर यानी कि 5500 फीट के आसपास में है। स्नोफॉल एरिया है, मार्केट नज़दीक है यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर पे कसैलिक मार्केट, और वहाँ से हर कहीं जाया जाता है। मुक्तेश्वर टेंपल जाओगे तो कसैलिक मार्केट से लगभग 10 किलोमीटर, टोटल 15 किलोमीटर के आसपास में मुक्तेश्वर टेंपल आ जाता है। भटेलिया मार्केट आ जाती है, आप लैंड से भटेलिया मार्केट आ जाती है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास में आपकी, जो कि मुक्तेश्वर एरिया की एकमात्र बड़ी मार्केट है। और मुक्तेश्वर एक जगह है दोस्तों, मुक्तेश्वर एक टेंपल है, और उसी के इर्द गिर्द ना बहुत सारे गांव बसे हुए हैं। जैसे अभी मैं जिस गांव में है इसको मजेड़ा परवड़ा बोला जाएगा, और जैसे और गांव हैं सारे मुक्तेश्वर मंदिर के आसपास ही में हैं, लिंक रोड में ही बसे हुए हैं। बाकी लोकेशन के हिसाब से सही है, हल्द्वानी यहाँ से आपको नज़दीक पड़ जाएगा लगभग 60 किलोमीटर के आसपास में। सब कुछ फैसिलिटी युक्त है, थोड़ा सा व्यू की वो है क्योंकि थोड़ी सी गहराई में है लैंड, और हाइट देंगे आप अपना जब घर बनाएंगे हाइट देंगे तो आपको बढ़िया सा व्यू सामने का भी देखने को मिलेगा और बैक साइड का भी व्यू मिल जाएगा। और जैसे कि बड़ा पैच है आप इसको किसी भी प्रकार से यूज कर सकते हैं, और लैंड में ज़्यादा डेवलपमेंट करना नहीं है क्योंकि इतनी फ्लैट लैंड ना बहुत कम मिलती है पहाड़ों में, और सुविधा सब कुछ है, पास में रोड है, कनेक्टिविटी है, बढ़िया सी सामने की वैली है, इस तरफ की वैली है। तो चलते हैं नीचे लैंड पे और दिखाता हूँ लैंड से कैसा नज़ारा आता है। तो चलिए जी चलते हैं लैंड पे। देख रहे हो इतने फ्लैट, ज़्यादा डेवलप ही नहीं करनी है लैंड को, बहुत फ्लैट लैंड है। और जिस हिसाब से शहरों में गर्मियाँ हो रही है, जिस हिसाब से लोग परेशान हो रहे हैं पहाड़ों में लैंड खोज रहे हैं ना, तो ऐसी लैंड भी मिल जाए तो सोने के पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों की फील तो आई जाती है और सामने का जो व्यू है, व्यू आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। जो आसपास हरियाली है, जो नेचर का फील आपको मिलने वाला है, वो इस लैंड से भी मिलेगा आपको। देख रहे हो ये है लैंड आपकी पूरी, जहाँ पे दोस्त लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे है रोड, इसको चौड़ा करके अभी इस गहराई पे आ चुका हूँ ना, तो यहाँ पे आप अपना कॉटेज बना सकते हो जिससे कि आपको सामने का भी व्यू मिल जाए थोड़ा बहुत, इधर की वैली भी देखने को मिल जाए, और हाइट दोगे तो जो यहाँ बैक साइड है ना इस तरफ का भी व्यू मिल जाएगा, पीछे का व्यू मिलेगा, काफ़ी बढ़िया जंगल है ऊपर। तो पहले स्टेप पर हूँ अभी मैं, अब ऊपर अपना कॉटेज वगैरह बना के या होटल रिजॉर्ट जो भी आपकी नीड हो, जिस हिसाब से आपको इस लैंड को लेना है, जिस हिसाब से आपकी चॉइस हो, तो किसी भी प्रकार से डेवलप कर सकते हैं इस एरिया में। आप अपना घर, कॉटेज, होटल कुछ भी बना सकते हैं, नीचे गार्डन वार्डन, स्टाफ रूम, बहुत कुछ यूज करने के तरीके होते हैं। नीचे गधेरा बहता है, देख रहे हो यहाँ तक आपकी लैंड, ये एंगल वेंगल लगे हुए हैं, बहुत फ्लैट लैंड है दोस्तों,
हल्का सा यहाँ पर फॉरेस्ट भी मिलेगा आपको, और बाकी ये व्यू मिलेगा लैंड से इस तरफ का, और इतना सा व्यू मिलेगा ये। सामने होगी रोड आपकी, और देख रहे हो ऊपर एक बना रहा है, उसने तो जड़ से ही उस टीले को बनाने में ना बहुत पैसा खर्च कर दिया, क्योंकि दीवार लगानी पड़ रही है। आपका तो वो ये खर्च भी बच रहा है, यहाँ पे देख रहे हो रोड से ही उसकी दीवार शुरू हो गई है, और कैसे स्टेप हैं उस लैंड पे, तो बहुत उसको डेवलप करना पड़ेगा। लैंड जितनी की लैंड ली होगी उससे दुगना तिगना दुगना लगभग उस पर डेवलप करने में लगेगा, फिर जाके आगे का घर, तो अच्छा खासा पैसा खुल जाता है। बाकी जो पहाड़ों में एक वाइब आपको चाहिए ना, इस लैंड से भी आएगी। देख रहे हो इस तरफ को भी जंगल है, जंगल के बीच में रोड के नज़दीक, और जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो इस लैंड पे मिल रही हैं। इस तरफ को आप अपना गार्डन बना सकते हो, हर कुछ होता है यहाँ पे, फ्रूट्स के पेड़ वगैरह ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बागवानी कर सकते हो। बाकी इतना सा व्यू ये मिलेगा आपको जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और इस तरफ को तो मैंने बता ही दिया, उस तरफ को भी लैंड बिकी हुई हैं, गेस्ट भी वहाँ पर आ रहे हैं होम स्टे पे। बाकी एक बार फ्रंट की बात करूँ तो सामने लगे हुए हैं एंगल, ये एंगल दिख रहे होंगे आपको, तो यहाँ पे लगे हुए हैं एंगल दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से ना पूरा इसका फ्रंट जा रहा है, देख रहे हो बहुत बड़ा फ्रंट मिल रहा है, और यहाँ तक जहाँ तक वो घर दिख रहा है जिस पे पेंट किया हुआ है हरा, तो वहाँ तक उसके सीध में उसका फ्रंट है, और ऐसे ही ये पूरा पैच आपका जो जाएगा नीचे गधेरे तक। तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट स्टेप पर हूँ, तो सेकेंड स्टेप में जाके भी दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये एरिया ना स्नोफॉल एरिया है, और अच्छी खासी स्नो होती है यहाँ पे। फ़िलहाल 2 साल से तो पूरे मुक्तेश्वर में कहीं भी बर्फ़ नहीं गिरी है, अगर बर्फ़ गिरती है तो यहाँ पे भी बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल एरिया है। बाकी जो शहरों में जिस प्रकार की गर्मी हो रही है ना, उससे तो काफ़ी आरामदायक यहाँ पे आपको मिलेगा, ठंडी हवा का एहसास होगा, स्वच्छ पानी मिलेगा, मार्केट नज़दीक है, मुक्तेश्वर टेम्पल नज़दीक है, हर चीज़ से सही है। तो जैसे कि मैं सेकेंड स्टेप पर आ चुका हूँ, पहला स्टेप ये रहा और सेकेंड स्टेप पर आ चुका हूँ, तो सेकेंड स्टेप में आने के बाद ना थोड़ा व्यू और खुल जाता है आपका। इतना सा व्यू मिल रहा है आपको, इतना सा वैली देखने को मिल रही है, बाकी आसपास पूरा जंगल फॉरेस्ट की फील आएगी आपको, चिड़ियों की भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और ये है आपका सेकेंड पैच, काफ़ी चौड़ा देख रहे हो, ज़्यादा डेवलप करना ही नहीं है लैंड को, जो कॉस्ट आती है लैंड डेवलप करने में, जितने की लैंड ले रहे हो फिर उसका लैंड के हिसाब से 20-30-40% उसको डेवलप करने में लगता है, वो खर्चा आपका बच जाएगा। आप सीधे अपना यहाँ पर कॉटेज बनाओ, उतने में अपना बागवानी करो, ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी ये है दोस्तों नज़ारा यहाँ से, फर्स्ट वाला स्टेप अलग है, वहाँ घर बना के आप दोनों तरफ के व्यू का आनंद ले सकते हो। इस हाइट में भी इस यहाँ से भी घर बनाओगे ना तो थोड़ा हाइट वाइट दे के मस्त लगेगा आपको, चारों तरफ की फील जो आएगी ना एक बढ़िया सा लगेगा आपको। अभी दूसरे स्टेप में हूँ, फिर यहाँ पे तीसरा स्टेप आ जाता है ये वाला, और इससे भी नीचे तक है लैंड दोस्तों। क्लियर प्रॉपर्टी है पूरी, इस पर जिन्होंने ले रखी है पूरी क्लियर प्रॉपर्टी है, पहले ही अपना तारबाड़ कर रखा है, और नीचे तक जा रहा है देख रहे हो, यहाँ तक आपकी लैंड है, यहाँ आ जाता है गधेरा, बाकी यहाँ से ऐसे पैस शुरू होता है ये पूरा। ये देखिए एक बहुत ही जो पीसफुल प्लेस आप बोलोगे ना वो यहाँ पे फील आ रही है उसकी, क्योंकि बहुत शांति है, रोड आपके ऊपर है, यहाँ पे चाहो तो अपनी लैंड तक भी रोड ला सकते हो। सामने पड़ोसी जिनकी मैंने जिक्र करी, क्योंकि पहाड़ों में आ रहे हो तो पड़ोसी की भी ज़रूरत एक होती है, हमेशा आपके साथ देंगे सुख दुख में, और बाकी ये है लैंड। तो कमेंट में शेयर जरूर करना कैसी लगी लैंड, जो इसके प्राइस है मैं वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ की जो लोकेशन है उसको मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन भी चेक जरूर कर लीजिएगा। बाकी बहुत अच्छी यहाँ पे एक वाइब आ रही है, एक ठंडी सी हवा का एहसास हो रहा है, और इस तरफ को है सामने का नज़ारा। तो
कैसी लगी लैंड ज़रूर बताना। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कॉल ज़रूर कर लेना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसके प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, इसकी जो लोकेशन है वो भी डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। बाकी जो भी लैंड के आसपास का एरिया है, आसपास की जो फैसिलिटीज हैं, मार्केट कितनी दूर है, टेम्पल कितनी दूर है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। नज़दीकी है, मार्केट के भी नज़दीक है, टेम्पल के भी नज़दीक है। जो एक मेन रोड में थोड़ा क्राउड रहता है, रस रहता है, जो दूसरे टाइप के होते हैं, जिनकी चॉइस दूसरी होती है मार्केट से अलग, थोड़ा गांव में नेचर के बीच में, तो वो फील आपको आने वाली है। और आसपास ना बहुत सारे यहाँ पर होटल्स आपको मिल जाएंगे, होम स्टेज आपको मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया। इसके बगल में ही होम स्टे बन रहा है, वहाँ पर गेस्ट भी आए हैं आज। और ये पूरा ये ऊपर भी कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं, इस तरफ को सारे कॉटेजेस वगैरह बन रहे हैं। इससे आगे फिर परबड़ा गांव शुरू होता है, तो वहाँ भी बहुत सारे होटल वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने ये एरिया देखा हुआ है, काफ़ी लैंड सर्च करी हुई हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि कैसा एरिया है, कितना यहाँ पे टूरिज्म है और कहाँ कहाँ होटल वगैरह बने हुए हैं। फिर से आ चुका हूँ मैं सेकेंड स्टेप पर, और बाकी आप कमेंट में बताना आपको कैसी लगी लैंड। तो चलते हैं ऊपर जहाँ पर भाई खड़ा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तक मेन रास्ता है, मेन रोड है, तो वहाँ से चलते हैं फिर अपने वहाँ पे मेन रोड पे, फिर निकलते हैं कसले मार्केट को। चलिए जी, मैं आ चुका हूँ मेन अपने रास्ते पे, और मेरे पीछे है वो लैंड। डॉगी ना थोड़ा नाराज़ हो रहा है शायद। चुप जा, चुप जा। तो यह है लैंड, हम चलते हैं ऊपर मेन रोड पे, और सामने की तरफ से आपको लैंड दिखाता हूँ एक बार। इस तरफ से जो इस तरफ की लैंड कैसी दिखती है वहाँ से वो दिखाता हूँ एक बार। दो कदम चलते ही पहुँच जाते हैं रोड पे। बाकी आप अगर बड़ी गाड़ी लाना चाहते हो ना, पहले तो इसी पे गाड़ी आ जाएगी, बाकी नहीं तो थोड़ा सा दिवाली वाल देखें, यहाँ से भी गाड़ी ला सकते हो, सीधे अपने लैंड पर ला सकते हो। यहाँ पर आपकी लैंड, तो फ्रेंड इस तरफ से सामने की तरफ से कुछ ऐसी दिखती है आपकी लैंड, देख रहे हो। एक दो तीन चार स्टेप हैं, बहुत चौड़े चौड़े स्टेप हैं। तो फ्रेंड ये है वो लैंड जो सामने से दिखा रहा था। अब इसने ना रोड से लगी हुई ऊपर को लैंड ले रखी है, बाकी जितने की लैंड ली होगी उससे आधे से ज़्यादा तो इसको डेवलप करने में ही लग रहा है। पता नहीं घर कहाँ बनेगा इसका, नीचे से रोड से ही दीवार देनी शुरू कर दी है, और पहाड़ों में तो कंस्ट्रक्शन आप जानते हैं कितना कॉस्टली है। अभी तक तो डेवलप ही हो रही है लैंड, अब उसके बाद घर बनेगा। बाकी उस लैंड पर ना वो सीन नहीं है, उसका थोड़ा सा व्यू नहीं है, बाकी कॉस्ट उस पर जो डेवलप की है वो बहुत कम आने वाली है, और जो वाइब है दोनों की एक सी है, क्योंकि वो भी पहाड़ों में ही आएंगे और ये भी पहाड़ों में ही हैं, एक सा मौसम, एक सा नेचर, इतना सा व्यू है इनका। क्योंकि चॉइस अपनी अपनी होती है, उस लैंड पे खर्चा कम है, वाइब सेम है, पहाड़ों के बीच में एक सा नेचर होगा, एक सा वातावरण, एक सा मौसम। बाकी इनकी थोड़ा सा व्यू आपको इनको इनकी लैंड से थोड़ा सा व्यू देखने को मिलेगा, लेकिन कॉस्ट इनकी बहुत आएगी इसको बनाने में, तो ये फ़र्क भी होता है। तो चलो जी, फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ, शाम भी हो चुकी है, और आज मौसम साफ था, एकदम क्लीन नज़ारा देखने को मिल रहे थे पूरे दिन भर, और वैसा ही इस समय शाम को हो रहा है। काफ़ी बढ़िया सुहावने नज़ारे हो रहे हैं, और पहाड़ों में थोड़ा इस समय ना रौनक बनी हुई है। तो शाम का नज़ारा इस समय कैसा आ रहा है आपके साथ शेयर करता हूँ, और मज़ा ज़रूर आने वाला है आप लोगों को। तो फ्रेंड कैसे लगे शाम के नज़ारे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा, और कैसी लगी आज की ये वीडियो, और क्या आपकी राय है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी आपको क्वेरी होगी ना, आप डिस्क्रिप्शन पे नंबर होगा उस पर कॉल करके अपनी जानकारी उसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। बाकी एक प्लस पॉइंट ये होने वाला है, क्योंकि रोड नई बनने वाली है परबड़ा तक, और रोड का विकास होने वाला है, तो रोड ना एकदम मस्त हो जाएगी, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आगे को भी। अभी तो यहाँ पे जैसे सीजन वीजन चलते हैं तो लिंक रोड हैं, मेन बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, तो रोड
पहाड़ों की सड़कें आपको पता ही है, तो डामरीकरण से ना थोड़ा बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आप लोग कभी उस तरफ को आए हो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। तो इस खूबसूरत शाम के साथ पहाड़ों की मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड, मिलूँगा जल्दी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।